बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम वेरिएबल और कांस्टेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। असल में सबसे पहला आइडिया ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि वेरिएबल जो है, जब हम यहाँ लिखते हैं इंट नम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, नम, वो मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। मेमोरी यानी रैम, रैम के अंदर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट से मुराद कि ये अपनी वहाँ पे एलोकेशन कर लेगा। अब कितनी एलोकेशन करेगा? 4 bytes एलोकेशन करेगा। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला कि इंट जो है वो 4 bytes लेता है, फ्लोट 4 byte, डबल 8 byte, और 4 जो है वो 1 byte मेमोरी रिजर्व करती है। इसको चेक करने के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर, सी आउट साइज ऑफ, और इसके अंदर लिखें इंट सी आउट F11। तो रन करें जरा, तो ये कितनी बाइट्स आ गई? 4 bytes। और इसकी जगह पे जरा आप लिखें फ्लोट, तो रन करें, 4 bytes। और इसकी जगह पे आप लिखें CHAR 4, इसको रन करें, 1 byte। इसकी जगह पे लिखें डबल, और इसको रन करें, 8 byte। ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है? ये एक साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो कि किसी वेरिएबल का, किसी डेटा टाइप का साइज चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इंट जो है वो कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा जब जिसके साथ ये नम वेरिएबल लिखा जाएगा। अब नम के जो है वो नाम की मेमोरी के अंदर 4 bytes एलोकेट हुई। हम इसके अंदर अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर करवा सकते हैं वो देखते हैं। अब ये एक वेरिएबल, अब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू स्टोर हो सकती है, ना इसमें करेक्टर स्टोर हो सकता है और ना ही इसमें फ्लोट स्टोर हो सकता है। करके देखते हैं जरा। अब इसमें देखें नम इज इक्वल टू, अब मैं पहले इसमें करेक्टर स्टोर करने की ट्राई करता हूँ। मैं इसमें सी स्टोर कर देता हूँ, सी आउट, इसको डिस्प्ले करें जरा और देखें क्या डिस्प्ले होता है। देखिए, मैंने इसमें स्टोर सी करवाया है लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा है? 90, 99। ठीक है, जबकि ये गलत वैल्यू है। मैंने हालांकि स्टोर को करवाया है सी, लेकिन अगर मैं इसमें स्टोर करवा रहा हूँ 67, तो अब ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? अब ये राइट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ 2.4, अब ये क्या डिस्प्ले करेगा? अब ये सिर्फ 2 डिस्प्ले करेगा और 0.5 उसमें से स्किप कर देगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू की लिमिट क्या है वो आप यहाँ पे लिख के चेक करके देख सकते हैं। ये कुछ फिर डेटा लिखता हूँ इसके अंदर और मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ तक इसने बिल्कुल ठीक वैल्यू स्टोर की है। अब इसके आगे मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ, इसको भी रन करके देख रहा है। इसके बाद मजीद 0 लगाए, अब उसने इस डेटा को माइनस की फॉर्म में डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, यानी ये 10 digits तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 digits तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इतनी लेंथी वैल्यूज के अंदर स्टोर करने की अबिलिटी है, यानी 4 bytes के अंदर आप इतना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, रिजल्ट की फॉर्म में भी और
किस फॉर्म में भी, मिसाल के तौर पर ये देखें रिजल्ट की फॉर्म में भी और इनिशियल वैल्यू की फॉर्म में भी। यहाँ से ये भी वैल्यू काट देता हूँ, यहाँ से बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू और इसको हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में रिजल्ट आता है। बी और यहाँ पे एक और वेरिएबल भी क्रिएट करते हैं सी, और सी के अंदर स्टोर करते हैं बी मल्टीप्लाई नाउ। अब इसको जरा डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस पर रिजल्ट क्या आता है। जी इसका रिजल्ट उसने बिल्कुल हमें ठीक फॉर्मेट में दिया, उस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा सा फर्क है। इस लाइन में ये है कि हमने नम के अंदर 5 डिजिट वैल्यू स्टोर करवाई और बी के अंदर भी 5, इनकी मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो सी में है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ इसका अब रिजल्ट जो है वो कुछ और फॉर्मेट में आएगा, कुछ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसकी पहले ही लिमिट इसमें मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुकी थी और इसने मल्टीप्लिकेशन के साथ उसको भी क्रॉस कर, तो इसकी जो मैक्सिमम यानी इसकी जो एंड वाली वैल्यू मैक्सिमम के अंदर पॉजिटिव के अंदर स्टोर करने की वो ये वाली लिमिट है और नेगेटिव के अंदर भी ये वाली इसकी लिमिट है। अगर आप स्टोर करके देख सकते हैं 10 डिजिट्स तक आप इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसने इसको रॉन्ग फॉर्मेट में किया यानी इसके साथ आपको डिजिट मजीद कम करना पड़ेगा। अब इसको स्टोर करके देखें, इसको भी रॉन्ग फॉर्मेट में, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्टोर करवा रहा है, हम इसको ज़रा कमेंट करते हैं इसको भी और इसको भी, इसमें डिस्प्ले करवाते हैं हम और इसके साथ जीरो भी ऐड कर दें ताकि हम इसको चेक कर सकें कि इसकी जो मिनिमम रेंज है वो कितनी। यस ये इसकी मिनिमम रेंज है, लेकिन इसके साथ जो ही एक डिजिट आप ऐड करेंगे और तो ये इसकी मिनिमम रेंज भी अंडर फ्लो हो जाएगी। जब मिनिमम रेंज को क्रॉस करें तो वो अंडर फ्लो कहलाता है और जब मैक्सिमम रेंज को क्रॉस करें वो ओवर फ्लो कहलाता है। अब आप इस हिसाब ये पता चले कि इंट वेरिएबल में उसकी लेंथ क्या है, वो कितने बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करता है और उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सी और सी इनको मजीद में इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेक्टर डेटा टाइप को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद।